किसी भी एक टीचर या एक विद्यार्थी के द्वारा ये भी नहीं सुनने में आया कि एग्ज़ाम इजी था, जीएस का पेपर पूरे का पूरा सिलेबस आप लोगों का चेंज था। यूपी एपीओ की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप लोगों का कल एग्ज़ाम हुआ है 16 फरवरी को। और इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर देखें तो लॉ का जो पार्ट था वो अमूमन ठीक था और सभी स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाई थे, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, ठीक है। अब जीएस में क्योंकि जो पहले प्रारंभ पिछले तरीके वर्षों में जो पेपर के क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे थोड़ा जटिल बना दिया है क्वेश्चन इन्होंने, और सीधा सीधा मैचिंग है, और आप लोगों के लिए करंट अफेयर भी लिंक्ड करके क्वेश्चन डिटेल में पूछने की कोशिश की है। तो बहुत जैसे युग्मों को मिलाना यानी मैचिंग वगैरह लिस्ट से एक दूसरे के, या क्रोनोलॉजिकल, तो ये एपीओ में इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही नहीं थे। और साथ में कुछ सिलेबस ये था कि जो पूछा नहीं गया था सब्जेक्ट पिछले कुछ कई सालों से वो पूछ डाला, और जो ज़्यादा पूछे जाते थे उनका एक क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 41% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, जिसमें 18,784 लोगों ने परीक्षा दी है लखनऊ और इलाहाबाद में। अब देखते हैं कि कट ऑफ के बारे में सब लोग यही कह रहे हैं कि कट ऑफ थोड़ा पेपर जीएस का कम गया है, तो उसकी वजह से भी इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं जो आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ 115 ±5, ठीक है, ये मेरा अपना अनुमान है और ये एक्सपेक्टेड है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। जैसे ही मुझे कुछ और लगेगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने सभी अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम पर भी और सभी पेड ग्रुप में वोटिंग कराई थी, उसी वोटिंग के आधार पर मैं आप लोगों को ये कंफर्म कर रहा हूँ। क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के 90 नंबर भी आ रहे हैं ला में, ठीक है, 90 से 95 क्वेश्चंस भी सही हो रहे हैं, अब क्योंकि मेंस के लिए इन्हें 340 ही स्टूडेंट्स लेने हैं अगर वैकेंसीज नहीं बढ़ी तो, अगर वैकेंसी बढ़ गई तो आपकी कट ऑफ नीचे जा सकती है। बाकी मेंस के लिए 340 कैंडिडेट लेने हैं, और 340 कैंडिडेट बहुत आराम से इन्हें मिल जाएंगे 18,000 में, 115 के आसपास की राउंड फिगर में, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो ±5 115 है, बाकी और देखते हैं। और अब क्योंकि अब जे का एग्ज़ाम आने वाले हैं आप सभी के, यूपी के खासकर, तो आप लोग उसकी तैयारी बहुत डिटेल से डीपली करें, खासकर जीएस पार्ट की, जो आपके लिए मेजर है प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि वो स्कोरिंग भी होगा ही होगा, क्योंकि मेरिट आपकी उसी से डिसाइड होगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और हम लोगों ने भी प्रयास किया था जीएस के लिए, लेकिन काफ़ी नकारात्मक रही हमारे साथ, विपरीत रहा, क्योंकि बात ये थी कि हम प्रीवियस पेपर के आधार पर ही आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे थे डेटा, और वीडियोस भी मैंने बनाए, टेस्ट भी बनाए। अब सबको तो सेटिस्फाई मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, ये तो आप खुद जानते ही हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाई जाएँ, जिससे आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पा सकें। तो थैंक यू सो मच।